वेलकम गाइस। काफ़ी दिन हुए, 2 वीक्स ऑलमोस्ट हुआ है और इस पे हम लोगों ने कोई वीडियो पब्लिश नहीं की। थोड़ा ट्रेडिंग में एक्टिवली रहने के कारण ये चीज़ें होती हैं। फिर भी देखिए, आज का जो कंसेप्ट है, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा है कि ट्रेंड को कैसे बिना फियर के, जैसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, एक रियल एग्जांपल मैं आपको शेयर करूँगा। 3 चार्ट्स में लेने वाला हूँ, ऑडो फार्मा, डिवीज लैब और सन फार्मा। ठीक है, तो हम लोगों का जो प्रोसेस है उसमें क्या है कि किसी एक स्टॉक में बाइंग या सेलिंग करने से पहले कि सेक्टर को आइडेंटिफाई करना कि हम मुझे किस सेक्टर में सेलिंग या बाइंग करनी है, और उसके बाद स्पेसिफिकली आपको एक स्टॉक या दो स्टॉक सेलेक्ट करना होता है कि किस में वो बेस्ट कंडीशन मीट हो रही है कि उसमें सेल कर सकें। ठीक है, तो इसमें मैं जो एग्जांपल्स तीनों दे रहा हूँ, एक हमारे स्टूडेंट हैं, उनका एक प्रॉब्लम है इसमें कि वो ट्रेंड को राइड नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा फियर ऑफ, एक क्या है ना कि जैसे कहीं मैं आपको इस चीज़ में दिखाऊंगा कि उनकी एंट्री कहाँ पर हुई, कि एंट्री करने के बाद पूरे ट्रेंड को राइड नहीं कर पाना, या सेल या फिर बाय। तो देखिए, अगर आप बिगनर होगे तो ये चीज़ें आपके साथ रिलेवेंट नहीं होंगी, लेकिन अगर आप 2-3 साल से ट्रेडिंग कर रहे हो तो कहीं ना कहीं जाके इस पॉइंट पर आप आके रुकोगे कि किस तरीके से ट्रेंड को, जैसे आपको पता है कि यहाँ से क्या होने वाला है, आपको पता है कि एंट्री कहाँ है, आपको पता है कि एग्जिट कहाँ है, फिर भी आप पोजिशंस के साथ, एक मतलब एक हैवी पोजीशन के साथ या फिर आप एवरेज जो भी पोजीशन है आप उसमें लेते हैं, आप उसको राइड नहीं कर पाते हैं। चलिए, इस फियर को हम लोग दूर करने की कोशिश करते हैं उनके लिए गए ट्रेड से। ठीक है, तो अब देखिए कि अगर इससे, इस वीडियो का बनाने का पर्पस ये है कि एक इजी वे में ये क्वेश्चन सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये देखना कि किस तरह से इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ, और साथ ही साथ बाकी लोगों के भी प्रॉब्लम्स हैं सो सॉल्व होंगे इससे। इसलिए ये चीज़ जो लोग एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं उनके लिए है ये। ऑलराइट, अब देखिए 3 चार्ट हमारे पास है और फ्राइडे के दिन, मतलब एक दिन पहले जो सेलिंग हुई थी उसमें सेल करना। अब देखिए मार्केट में क्लोजिंग कहाँ पर हुई थी, ऑडो फार्मा की बात करें तो देखिए यहाँ, इससे पहले ये जो था, समझिए ये day 1 है और ये day 2 है जिसमें मुझे ट्रेड करना है। ठीक है, अब 3 चार्ट्स, अब ये वाली जो लाइन आप देख रहे हो, ये वाली लाइन, ये सारी एक दिन की मूवमेंट है। ठीक है, तो आप इस तरीके से समझिए। अब हम लोग 3 चार्ट्स में आपको दिखाता हूँ, ये है ऑडो फार्मा का चार्ट, ये है डिवीज लैब का चार्ट और ये है सन फार्मा का चार्ट। ठीक है, अब देखिए तीनों में क्या डिफरेंस है और ये डर को कैसे दूर किया जा सकता है। सेल तीनों में करना था, ठीक है, लेकिन अब उनको आइडेंटिफाई करना है कि सबसे पहले तो आपको क्या है ना कि स्टॉक सिलेक्शन, आपकी जो गड़बड़ी है वो यहाँ पर है कि आप, ठीक है, सेक्टर पर तो आप पहुँच गए कि किस सेक्टर में सेल करना है, लेकिन आप स्पेसिफिकली उस स्टॉक को आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिस कर रहे हैं जिसके कारण आप उस प्रॉपर स्टॉक पे नहीं जा पा रहे हैं। देखिए, इसमें सबसे जो अच्छा स्टॉक है जिसमें हम लोग सेल कर सकते थे वो कौन सा था, वो था ऑडो फार्मा। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट। मैं इसको एक साथ तीनों चार्ट को कर लेता हूँ तो आसानी होगी आपको समझने में। देखिए, ये है ऑडो फार्मा, ये है डिवीज लैब, ठीक है, और जो थर्ड स्टॉक है वो है सन फार्मा। ठीक है, तीनों को हम लोगों ने एक साथ प्लॉट कर लिया। अब देखिए कि यहाँ तक की क्लोजिंग इसमें हुई है, मार्केट में इस लेवल पर क्लोजिंग हुई है, ठीक है, और जो थर्ड क्लोजिंग है वो यहाँ हुई है। तो आप ध्यान से देखिएगा, आपने अगर वो जो क्वेश्चन पूछा है आपको काफ़ी अच्छे से इसका आंसर मिलेगा। अब आप देखिए तीनों चार्ट को एक साथ रखिए। अब आप बताओ कि बेस्ट एक दिन पहले, नेक्स्ट डे की मूव हमें नहीं पता है कि क्या होने वाला है। ये वाली कैंडल देखिए एक दिन पहले की कैंडल है। अगर सन फार्मा में आप ये दोनों कैंडल देखें, 15 o'clock और ये है 15:15, मतलब क्लोजिंग यहाँ पर हुई है। अब आप किसको, किस में सेल करना चाहोगे? अब आप देखिए इसके पीछे क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ऑडो फार्मा बेटर है,
उसके बाद कौन सा स्टॉक बेहतर है, सन फार्मा या फिर डिविजलर? तो फर्स्ट नंबर क्या है, ऑरो फार्मा, ठीक है। सेकंड आपका क्या है, डिवीज लैब, और थर्ड क्या है, सन फार्मा। मतलब अगर मुझे ट्रेड करना हो तो मैं डिवीज लैब में सेकंड और सन फार्मा में थर्ड करूंगा। क्यों? अब देखिए, सबसे पहले अभी क्या सोच रहा हूँ, अभी मार्केट ओपन नहीं हुआ है, लेकिन अभी मेरी सोच क्यों है ऑरो फार्मा में एक नंबर पे, मैं वो बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले ये हमारा एक हाई पॉइंट है, ये वाला लेवल, इसे मैं अलग कलर से करता हूँ, समझ में आएगा आपको। देखिए, ये सबसे हाई पॉइंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट पर देखिए, डिवीज लैब कहाँ है, यहाँ, और थर्ड जो स्टॉक है वो कहाँ है, इस लेवल पर, ठीक है। अब आप देखिए कि सेकेंड लेग में जब मार्केट ऊपर आया, क्या इस लेवल पर उसने अपने इस हाई को टच किया? नहीं, इसने टच किया। तो हाँ, इसने टच किया, इस एरिया को आप देखिए, इसने टच किया और मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर भी तो है कि यहाँ पर अगर आपको मार्केट नीचे जाता दिख रहा है, यहाँ पर भी मार्केट नीचे जाता दिख रहा है, यहाँ तो ऊपर दिख रहा है, तो आपके हिसाब से ये सेकेंड क्यों हुआ? आपके क्वेश्चंस होने चाहिए ऐसे, ठीक है, उसका भी जवाब सुनिए। तो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि ठीक है, ऑरो फार्मा में इस लेवल से सेलिंग हुई। अब ये थर्ड बारी जो भी मार्केट आता है इस लेवल पर, तो देखिए अभी भी फ्लो निगेटिव है, इस हाई को टच नहीं कर पा रहा है। तो हमें क्या देखना है कि अगर मार्केट इस एरिया को चैलेंज करता है, अगर कोई ग्रीन कैंडल बनेगी तो हम लोग वेट भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंट्रीज कैसे लेनी है, वो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स आप देख रहे हो, आपको पता है कि किस तरीके से हम लोग मोमेंटम को फेड करके इस एग्जैक्टली 861 के लेवल पर एंट्रीज लेते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी जो लोग हैं पब्लिकली, उनके लिए ये है कि चलिए आप इस चीज़ को फिर भी एंट्रीज लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ उस चीज़ पर फोकस करिए। अब इसके बाद आप देखिए कि फर्स्ट कैंडल क्या होती है, आप देखिए एक डोजी, डोजी का मतलब क्या है, विथ रेड कलर, मतलब जिसमें बायसनेस है। और आप देखिए कि यहाँ जो एक ये वाली विक है, इसको चैलेंज किया जा रहा है, मतलब यहाँ अगर सपोर्ट है तो यहाँ पर रेड कैंडल नहीं, ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। और यहाँ ऊपर से अगर आप देखिए, ये फर्स्ट बियरिश कैंडल है, और सेकेंड अगर आप देखें तो वो एक इनसाइड कैंडल भी है। तो अब यहाँ पर जाके तो 100% श्योर हो जाता है कि ठीक है, ये लो ब्रेक होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो सिलेक्शन हुआ ऑरो फार्मा, इसलिए हुआ क्योंकि देखिए आप यहाँ पर लोअर हाइज, ठीक है, हायर लोज का फॉर्मेशन हुआ है, और जो हाई है वो लो होते जा रहे हैं, और इस लेवल से सेलिंग। अब देखिए इस कैंडल में अगर आप देखें यहाँ पर फर्स्ट कैंडल क्या है, ग्रीन, ठीक है। तो इस लेवल पर भी सेलिंग की जा सकती है, कहाँ पता है, इस एरिया में, इस लेवल पर। क्यों? क्योंकि रिटेलर्स के लिए ये जो लेवल है, उनके लिए एक ब्रेकआउट है। कैसे, मैं वो बताता हूँ। देखिए, इस लेवल को वो लेंगे और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आप कहीं से भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ऐसे। तो देखिए एक चीज तो यहां पर जहां वो ट्रैप होते हैं वहां पर एंट्री हो सकती है, लेकिन देखिए इस एरिया को मैं आपको समझाता हूं कि क्यों इस लेवल एक हाई क्रिएट हुआ, फिर भी इस एरिया को सेकंड में क्यों लिया गया। इसलिए लिया गया क्योंकि ये जो है ना, ये एक फेक ब्रेकआउट है। आप देखिए इस लेवल पर, इस मार्केट ऊपर, बायर्स ऊपर गए लेकिन फिर से सेलर्स ने वापस पुश कर दिया। तो ये एक एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन है कि इस लेवल के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। और जब बाइंग आती है तो देखिए, फर्स्ट कैंडल में यहाँ पर ब्रेकआउट है, और वो वही एरिया है जहाँ हमें पता है कि इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा, और यहाँ से एक सेल, तो इसलिए ये सेकेंड। और देखिए मार्केट में मूवमेंट इस लेवल तक हुई। तो और इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ, तो जो रीसेंट लो था हमारा, जो रीसेंट लो था वो क्या था, हम लोगों के टारगेट्स थे,
जो रीसेंट लो है वो हमारे टारगेट्स थे, ठीक है। और अगर आप इसमें सेल करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आप सेल करते करते आ तो गए, लेकिन हम लोग कहाँ सपोर्ट के एरिया के पास पहुँच गए हैं। तब आप अगर सेल करेंगे भी तो उतना प्रॉफिट नहीं होगा। आप देखिए, आप देख रहे हैं। तो एक चीज़ क्या है कि आपको जब एंट्री लेनी है, जब आप इसमें एंट्री कहाँ पर थी, इसमें अगर आप देखेंगे मॉर्निंग में यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल और उसके बाद रेड कैंडल। तो अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते हैं तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप ये सोच रहे हैं कि क्या ये जो लेवल है वो ब्रेकडाउन हो जाएगा? मतलब आप, आपके पास स्पेस ही नहीं है ना। आपको पता है कि यहाँ पर से बायर्स आएंगे। अगर ये सपोर्ट एरिया है जहाँ पहले से बाइंग आई है, तो ये तो एक रिस्की प्लेस है जहाँ पर आप एक सेल करने की सोच रहे हैं। ऐसा कि सपोर्ट पे ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग हो गई, इससे तो बेटर है कि आप यहाँ पर सेल करिए। इस जगह क्या है कि रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस के नीचे जब मार्केट आया इस लेवल पर, आप यहाँ सेल करेंगे, इस लेवल पर प्रॉफिट बुक करेंगे कि आपके इस ये रेंज ट्रेडिंग के कंसेप्ट से यहाँ पर अप्लाई होंगे, ठीक है। तो देखिए ये छोटी छोटी चीजें देखने में, अब देखिए डर कैसे खत्म हो रहा है। आपको ये सारी चीजें देखनी होंगी कि किस मार्केट कैसे नीचे जा रहा है। फर्स्ट केस में आप देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो हाई है वो लो होते जा रहे हैं। सेकेंड कंडीशन में अब यहाँ पर फ्लो ऊपर था, लेकिन ये क्या था, एक फेक ब्रेकआउट था, मार्केट नीचे आ गया। इन दोनों में कंफर्मेशन है। लेकिन अगर आप यहाँ पर सेल कर रहे हैं तो आपको या तो रेंज ट्रेडिंग करनी होगी, जब भी मार्केट एटलीस्ट नीचे के लेवल पर आप सेल मत करो ना, जब मार्केट ऊपर आता है और आपको कोई इनगल्फिंग पैटर्न, शूटिंग स्टार, कुछ भी जिस पे आप आपने ट्रेंड को राइड किया है या फिर आपको प्रैक्टिस है, आप उस चीज़ पे आप इस पे सेल करो, तो फिर मार्केट में मूवमेंट होगी, ठीक है। देखिए इस लेवल तक के टारगेट्स मिल गए। तो इस तरीके से क्या है ना कि देखिए सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि बिना इस चीज़ को सीखे हुए अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, किसी भी चीज़ में ट्रेड करते हो, आप प्रॉफिटेबल कंसिस्टेंटली नहीं हो सकते। इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि ये इस बिजनेस को जिस तरीके से आप देखिए, एक छोटी सी चीज़ है लेकिन उसका आप इंटरप्रिटेशन देखिए किस तरीके से निकाला जाता है। बिना वो भी प्राइस एक्शन वो नहीं, आप प्रॉपर उनसे सीखनी होगी जिसने रियल ट्रेड्स किया हो। करने का मतलब ट्रेड उसने भी कहीं से ट्रेनिंग ली है। मेरे जो मेंटर है वो हेज फंड में उन्होंने काम किया, वो एक ट्रेडर थे। एक ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू वो होता है जिसमें ट्रेंड, देखिए आप एक कैंडल पे, कहीं एक कैंडल पे आप एंट्री एग्जिट करते हो तो प्रॉफिटेबल नहीं होता। आपको अगर वेल्थ तब आपके पास आता है जब आप इस ट्रेंड को राइड करते हो। आप देखिए इस लेवल पर एंट्री है यहाँ, और ये प्रॉफिट, आप इसका रिस्क रिवॉर्ड चेक करिए। इसके जो स्टॉप लॉसेस हैं ऑलमोस्ट 3.5 पॉइंट्स, 3.5, और यहाँ 9:1:3 के ट्रेड्स। तो इस तरह के ट्रेड्स होने चाहिए, आपको इंट्रीज पता होने चाहिए, और ये चीज़ें सिर्फ प्रोप्राइटरी मेथड से पॉसिबल है। एक 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 प्रोप्राइटरी मेथड जिसे एक इंस्टीट्यूशंस जिस तरीके से सोचते हैं, आप जहां पर बाई करते हैं वहां पर वो सेल करते हैं, एक कम्प्लीटली अपोजिट। अगर आप ट्रेड करते हैं प्रॉफिटेबल नहीं है तो इसका मतलब आपका ओपोनेंट जो है वो तो प्रॉफिटेबल है, वो किस तरीके से सोच रहा है। और जब आप ये चीज़ें सीखेंगे तो सोचना आपको भी पड़ेगा। ट्रेड्स में दो ही चीज़ें हैं, एक और वीडियो मैंने डाल रखा है, व्हाई एंड हाउ ऑफ ए ट्रेड। मेरे मेंटर जो, उन्होंने भी जब अपने मेंटर से सीखा था तो उनकी भी यही स्टोरी थी कि व्हाई एंड हाउ। जैसे कोई भी अगर यहाँ से सेल होगा तो क्यों होगा, और होगा तो कैसे होगा। मैंने जब शुरुआत की ट्रेडिंग की तो मैं आपकी ही तरह, मैं नहीं लिखता था इसे कि मूव करेगा तो क्यों करेगा। ये चीज़ें मैं नोट डाउन कॉपी पे नहीं लिखता था, नोटबुक पे नहीं लिखता था। लेकिन एक दिन आया जब मुझे वो चीज़ें लिखनी पड़ी, व्हाई, क्यों क्यों जाएगा नीचे, और हाफ पेज व्हाई हाफ पेज होना कि हाउ, जाएगा तो किस तरह से जाएगा, एग्रेसिव जाएगा, स्लो जाएगा। तो
आप तभी कन्फर्मेशंस, जब ये सारी चीज़ें की प्रैक्टिस करेंगे तभी आप पूरे ट्रेंड को राइड कर पाएंगे। देखिए, फियर का ना होना का मतलब यही है कि कंप्लीटली उन सिचुएशंस के थ्रू आप अवेयर रहें। अगर आप अवेयर होते हैं तो ही आपके अंदर से फियर जाएगा, और फियर जाने के लिए कंप्लीटली आपको सोचना पड़ेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट में, आप इस एरिया किस एरिया से आपको डर लगता है, इस लेवल पर डर लगता है कि यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, होगा तो क्यों होगा और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ये आंसर्स। और मार्केट में जब आप ट्रेड करते हैं इतना समय आपके पास नहीं होता है, आपको पहले से ये चीज़ें सोच के रखनी होती है कि अगर ये चीज़ें हैं तो ये करूँगा, तब आप जाके ये चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो आई होप कि किस तरह से फियर को दूर दूर करना या फिर उस किस तरह से किया जा सकता है आपको आंसर मिला होगा, और आप लोग में से कोई इंटरेस्टेड हैं कि जो प्राइस एक्शन सीखें तो यू मे कनेक्ट विथ मी। आई हैव गिवन माई डिटेल्स, व्हाट्सएप नंबर इन डिस्क्रिप्शन। आपकी कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई। कोई और भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। ऑलराइट ऑलराइट गाइस, थैंक यू वेरी मच।